मेरा नाम सुजैन है, सुजैन फेरोज़, जो कि पहले हमको बोल देते हैं सुजैन फेरोज़ द फर्स्ट फीमेल रैप सिंगर ऑफ अफगानिस्तान। देखा, बोला कि तुमको तो आता है सुजैन? बोला अच्छा, बट अगर तुम ये गाओगे दूसरा ये दिन, एक तो इसको किसी टीवी में इसको शो नहीं करेगा, जो लाइंस तुमने लिखा है शो नहीं करेगा, दूसरा दिन तालिबान तुमको फांसी लगाएगी पूरे फैमिली के साथ। फिर सोहराब के नाम से एक लड़का था जो बीबीसी न्यूज़ में भी काम करता है, तो फिर उन्होंने मुझे, मेरे लिए जो मेरे पहला गाना है हमसाया गान के नाम से नेबर्स यानी, तो उन्होंने दूसरे लाइंस उसी चीज़ जो मम्मी ने लिखा था थोड़ा बहुत चेंज करके मेरे लिए लिख दिया, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा ये रैप गाना। मैं यहाँ आई हूँ अभी, देख रही हूँ कि लाइफ यानी वैसा नहीं चल रहा है कि जो हम सोच कर आए थे। मेरे जैसे और बहुत सारे अफगानी लोग हैं जो यहाँ पे आ गए थे, तो 10 साल हो गए, किसी का 15 साल हो गए, उससे भी कम ज़्यादा हो गए हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं। क्या रोज़ देखती हूँ यहाँ के, यहाँ पे एक मुर्दे के जैसा घूमता है, देखो बस रोटी ले लो, वो भी किसी से उधार लेके पैसा, किसी से उधार लेके रोटी लेता है फिर घर जाता है। हर कोई उम्मीद हार के यहाँ पे बैठ गए हैं, बस इस उम्मीद में जी रहे कि हम सांस ले रहे हैं, बस इस उम्मीद में जी रहे कि हम यूनिसेफ कहीं कभी ना कभी में हमारे लिए कुछ करेगा। हमारे लिए एक कार्ड दे देता है, वो भी बहुत मुश्किल से, दो एक साल बाद इंटरव्यू लेते हैं, 2 साल बाद इंटरव्यू लेते हैं, कितना खुदा खुदा करते हैं हम लोग के हमको वो कार्ड मिले। वो कार्ड मिले क्यों मिले? इसलिए कि हम यहाँ पर किसी मकान मालिक को दिखा पाए और हम वहाँ पे उनका घर ले लें किराए पे, क्योंकि किराया भी बहुत महंगा है, 2 रूम 1 BHK 9,000-10,000, जो किसी के पास जॉब नहीं होता है तो वो कैसे दे सकता है वो चीज़, अपने पेट के लिए कोई यहाँ पे नहीं कमा सकता है तो वो कैसे कर सकते हैं। हम यानी अफगानियों के बीच में बहुत कम लोग मिलता है कि जो उनकी कोई सिस्टर, अंकल, ब्रदर कहीं पे हो, अमेरिका में, जर्मनी में, कनाडा में हो, तो उनको सपोर्ट करे वहाँ से मंथली $100-200, उनमें से भी कुछ नहीं होता है उन लोग के लिए। अगर हम लोग कहीं पे जॉब लेने चाहते हैं, यानी किसी को कंप्यूटर इंग्लिश या कि हिंदी लैंग्वेज चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बंदे की ज़रूरत होता है जॉब करने के लिए, मगर मुश्किल क्या है? बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, अदर कार्ड किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि हम इंडियन नहीं है। मेरे वहाँ से भागने का रीज़न ये है कि वहाँ पे एक तो हमारे मर्द जो है, वहाँ पे मर्द घर के अंदर ही तालिब बनता है, तालिब जैसे बातें करता है, तुम बाहर ना जाओ, बाहर भी जाओ काम भी करो लेट आ जाओ, शुरू करते हैं, स्टार्ट करता है मारना पीटना, क्यों डेट कर दिया, इस टाइम पे मैंने तुमको कॉल कर दिया, क्यों कॉल के जवाब नहीं दिया,
ये रीजंस हो सकता है। मेरे मेन रीजन ज़्यादा ये है कि वहाँ से मैं जो मुझे भागना पड़ा क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ और मैं वहाँ पे जी नहीं सकती। मेरी बेटी की रीज़न है, मेरे हस्बैंड मर गई और मेरी बेटी जो मैं अभी मेरे पास है 13 साल के है, वो भी यानी मैं उसको अपने पास नहीं रख सकती थी। उसको क्या क्या कहते हैं आपके लैंग्वेज में, भगा के लेके जाते मुझसे। ये हमेशा ये खौफ ये डर था। 2 बार भी उन्होंने कोशिश किया है मेरे ससुराल। मेन रीज़न ये भी था और दूसरा मेन रीज़न क्या है कि वहाँ पे मैं जी नहीं सकती थी, ठीक से काम नहीं कर पाती थी। रोज बैम ब्लास्टिंग तालिबान की वजह से। मैं कभी अपने बच्चे को कोदूँ, बया मेरा शहीद हो गई, हस्बैंड मेरा मर गई वहाँ पे इसी रीज़न बैम ब्लास्टिंग में। अभी मैं और कितना जी सकती हूँ अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान कोई नहीं जाना चाहते हैं। अभी तो तालिबान आए हैं, इसके तो ज़्यादा आप तो जानते हैं, अब देखा होगा तालिबान को सामने बोलता है कि हमने लेडीज़ को माफ़ किया, मर्दों को माफ़ किया, जितने काम इन्होंने थी में किया है, या कि वैसे इधर उधर घुमा है, जो भी किया है लोग, हमने कुछ भी नहीं करते। मगर अब भी पीछे कुछ और करता है, जो कि वो भी शिकार होता है कि फ़ोन के मोबाइल कैमरे से शिकार होता है उनका वही टाइम जो वो लोग जुल्म करता है। फेसबुक में हम देखते रहते हैं, लोगों को जिंदा गाड़ देते हैं ये लोग, फेसबुक में हम देखते रहते हैं, मगर कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते। बस अंदर ही अंदर मर रहा है हमारे देश में क्या हो रहा है। हम लोग जो वही के हैं, यानी अंदर अंदर क्या महसूस होता था, हो सकता है मैं ये नहीं बोल सकती, यानी हमारे देश अभी इस हालत में है और हम यहाँ पे इस हालत में हम कुछ नहीं कर पा रहे। दुआ करें बस, दुआ के सिवा हमारे हाथ से कुछ नहीं आ रहा है। Thank you.